जय माँ दुर्गा। चारों तरफ है नवरात्रि की धूम और देखिए नवरात्रि के इस त्यौहार में बहुत ही ज़रूरी है सजना संवरना और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हमारे लिए कभी कभी इत्तेफाक फेम रिया भट्टाचार्य जी। इनसे तो मिलेंगी आपको ढेर सारी सजने संवरने की टिप्स और आज तो ये ले रही हैं एक स्पेशल बंगाली लुक। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास और दिखाते हैं आपको ये स्पेशल मेकओवर स्टोरी। भट्टाचार्य का बंगाली अंदाज शुरू हुई नवरात्रि की तैयारियां। हुआ रिया का मेकओवर। नवरात्रि के मौके पर कैसे सजे धजे और कैसे पूजा में हो शामिल ये आज हमें बता रही है रिया। रिया बंगाली है, ऐसे में दुर्गा पूजा का महत्व इनके लिए बहुत ज्यादा होता है। सज धज कर बंगाली अटायर में आकर ये दुर्गा पूजा करते हैं, देवी माँ को पूजते हैं और सिंदूर खेला खेलकर ये त्योहार मनाते हैं। आपको बता दें कि इन्हें आप कभी कभी इत्तेफाक से में देख चुके हैं और अब जल्द ही ये वेब सीरीज में भी आने वाली है, लेकिन फिलहाल ये कर रही हैं नवरात्रि के त्योहार की तैयारियां। आज रिया बताएंगी कैसे खुद का मेकओवर करें, त्योहार के लिए कैसे सजे धजे और त्योहार के मौके पर क्या कुछ अंदाज इनका है आज हम सब जानेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हम रिया के घर पर और करते हैं इस मेकओवर वाले डे आउट की शुरुआत। त्योहारों का मौसम आ चुका है और ऐसे में त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे साथ रिया है। रिया पहले से तो बताइए इस त्योहार को लेकर कितनी एक्साइटमेंट होती है, क्या कुछ तैयारी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबाई के दुर्गा पूजार अनेक 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 शुभेच्छा। आई नो कि दिस इज़ अ फेस्टिवल, यू नो कोई भी बंगाली ना कहीं पे भी हो, US हो, यूरोप हो, कहीं पे भी हो, वो लोग साल में इस टाइम का वेट करते हैं कि दुर्गा पूजा कब होने वाला है। मेरी तरह ना हर कोई इतना ही एक्साइटेड रहता है आई गेस, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एंड वी आर लाइक इस बार तो हम लोग बंगाली कित मतलब बंगाली है हम लोग बंगाली लुक में बाहर जाएंगे। यू नो आई तो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मेरे को बंगाली साड़ी पहनना है, बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनना है, ऑथेंटिक कोई बंगाली साड़ी पहनना है। एंड दुर्गा पूजा आई ऑलवेज वेयर ऑथेंटिक बंगाली साड़ीज जो पूरे साल में कहीं नहीं पहन पाते हैं। एंड आई ऑलवेज यू नो ट्राई टू लुक बंगाली, दो आई लुक बंगाली बट यू नो विद दैट गोल्डन झुमका एंड ऑल दिस बैंगल्स एंड नेकलेसेस ऑल बंगाली। आई लुक एकदम देख के लगेगा बंगाली ही है एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज लुक फॉरवर्ड टू लुक लाइक दिस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स गो, लेट्स गेट रेडी। तो भाई बिना टाइम गवाए रिया ने किया अपना झटपट वाला मेकअप। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं पहले से ही थोड़ा सा बेस करके रखी थी क्योंकि मैं विदाउट मेकअप कैमरे के सामने नहीं आने वाली हूँ। सो देन आई डिड सम टच अप
a little bit of blush and very light brownish eyeshadow. And usually I don't wear eyeliner, so मैं powder जो shadow होता है उसी से मैं काजल ऊपर का liner लगाती हूँ. नीचे I never put काजल, I don't like it personally. सब पे बहुत अच्छा लगता है, मुझ पर भी बहुत अच्छा लगता है, but usually I don't wear it. And mostly मैं light color lipstick use करती हूँ, because जब आप Indian पहनते हो ना, already you look mature. And then when you wear sari and jewelry, I look like my mom, but I look too mature. So, usko balance karne ke liye na, makeup thoda sa light karti hun, so that I look, you know, sweet 16. Hair, it has to be neat. Because Pooja means pandal hopping, okay? Hum log Kolkata mein nahi hai, that's a different thing. But trust me, Bombay mein bhi bahut bahut sari jagah Durga Pooja hota hai. And I generally go to every Pooja pandal. And wahan pe har jagah jaake kuch na kuch main khati hi hun. So, jab itne jagah ghoomna hota hai na, I cannot handle my hair agar wo khula rakhti hu. Though I would love to, but nahi hota hai. So, I always prefer ki, you know, ek bun kar lu, messy sa. खुल भी जाए तो कैसे भी लगा लो उसको बाहर, एंड सो दैट आई कैन एन्जॉय पूजा एंड हमेशा बालों के पीछे ही ना लगे रहूं. सो दैट्स द रीज़न माय हेयर ऑलवेज इज टाइड अप व्हेन एवर आई वेयर सारी. इट्स मच मोर कंफर्टेबल फॉर मी एंड यू गाइस आल्सो कैन ट्राई. तो भाई मेकअप तो हो गया, अब बारी है झटपट से चेंज कर ज्वेलरी पहनने की. लेकिन रिया हमें बता रही है उनकी ऑथेंटिक बंगाली ज्वेलरी के बारे में. सो दीज आर माय मम्मी का ज्वेलरी जो मेरे पास बॉम्बे में इसलिए है ताकि मैं दुर्गा पूजा में पहन पाऊँ, दैट्स ऑल. सो दिस इज़ वन ईयरिंग एंड दिस इज़ अनदर वन. सो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ मैं कौन सा पहनूँ, दो आई वॉन्ट टू वेयर दिस, बट लेट्स सी कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड अगेन मैं थोड़ा सा अगेन कन्फ्यूज हूँ. ये वाला तो मैं फॉर श्योर पहनने वाली हूँ. दिस इज़ इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई यार, इसको कुछ बोलते हैं एक. सो दिस वन इज़ अ बिग, ये साउथ में भी सॉर्ट ऑफ ऐसा बहुत यूज़ करते हैं एंड हम लोग तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गोल्डनिश. एंड ये गले का है, इसके साथ एक छोटा सा ये है, एक छोटा सा पेंडेंट दे के मैं ट्राई करूँगी कि ये गले में यहाँ पहन के और ये तो रहेगा यहाँ पे, दैट्स अ बिगर वन. सो विल सी कि ये दोनों एक साथ अच्छा लग रहा है कि नहीं. अगेन ऑल दीज आर माई मम्मास और ये मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, ये यूजुअली मेरी मम्मी किसी को देती नहीं है. सो दिस इज़ कॉल्ड मानताशा. सो इट्स वेरी वेरी ऑथेंटिक. ये ना मानताशा से बंगालिया ही, मतलब बंगाली लोग ही पहनते हैं इसको. एक हाथ में पहनते हो और दूसरे हाथ में यू कैन वेयर अ वॉच और जस्ट अ सिंगल थिंग और जस्ट नथिंग, बिकॉज इट्स सेल्फ इट्स वेरी हैवी. सो दिस इज देर इज़ नो कन्फ्यूजन, आई एम गोना वेयर दिस. मुश्किल से मम्मी से लाई हूँ. अगेन आई हैव अनदर, ये ना गले का है बट यूजली मुझे कमर पर कुछ पहनना बहुत अच्छा लगता है तो इसको मैं कमर पर हमेशा बांध लेती हूँ. आई लाइक इट. ये मम्मी का गले का है, अगेन बहुत एक्सपेंसिव है पर मैं कमर में पहनूंगी. लेट्स सी हाउ इट लुक्स, लेट्स गो. अब बारी है बंगाली साड़ी पहनकर प्रॉपर बंगाली लुक में आने की. ओके सो अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने. मैं साड़ी पहन के आ रही हूँ एंड लेट्स शो यू द लुक. एंड साड़ी वुड बी लिटिल डिफरेंट बंगाली स्टाइल साड़ी, लेट्स गो. ये है मेरा ढाकाई जामदनी और मैं ये पहन के आऊँगी और आप लोग देखना मैं कितना ज़्यादा प्रिटी लग रही हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने साड़ी पहन लिया है, इट्स फुल रेड, आई एम लाइक वेयरिंग रेड के ऊपर रेड. एंड यू कैन सी द साड़ी, इट्स लाइक नॉट नॉर्मल साड़ी. इसको बंगाली साड़ी पहनना बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना बंगाली साड़ी लिटिल डिफरेंट होता है. सो यू कैन सी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ साड़ी पहनना. एंड दिस इज लाइक चाबी का गुच्छा जहाँ पे चाबी है नहीं. यू नो पहले के ज़माने में ज़मींदार जो होते थे ना बंगालीज, तो वो लोग के जो बीवी मतलब पत्नियां होती थी वो घर के सारे ना वो चाबी के गुच्छे यहाँ पे लगा के रखती थी किसी के हाथ में ना जाए. सो दैट्स हाउ दिस थिंग इज़ देयर कि यू नो चाबी किसी के पास ना जाए, आंचल में ही रहे. मेरे पास ज़मीन तो है नहीं पर कोई बात नहीं, आई नो आई एम लुकिंग प्रीटी, दैट्स ऑल. एंड आई एम नॉट वेयरिंग दैट वाइट साड़ी में जो रेड बॉर्डर वाला आता है, आई एम नॉट वेयरिंग दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट ओनली बंगाली साड़ी. वो एक सिंबल है कि हाँ वो साड़ी बंगालीज के लिए है, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग फेस्टिवल या दुर्गा पूजा या शादी में वो साड़ी पहनते हैं. नो वी डोंट,
वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ बंगाली साड़ीज, जैसे ये है कि रेड, इसको बोलते हैं ढाकाई जामदानी. सो दिस साड़ी का जो नाम है ना ढाकाई जामदानी, इट्स फ्रॉम ढाका बांग्लादेश. सो इट्स द ऑथेंटिक पार्ट इज़ फ्रॉम बांग्लादेश. सो आई लव वेयरिंग ढाकाई जामदानी. मम्मी के पास जितने सारे ढाकाई जामदानी होते हैं, एक बार वो पहन लेती है, उसके बाद मेरा हो जाता है. नाउ लेट्स गो एंड एक्सरसाइज माई सेल्फ गोल्डन ज्वेलरी में. लेट्स गो. The last touch, and then you guys can see my whole look. Let's go. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ दुर्गा पूजा के लिए. Am I looking beautiful? Yes, I know. I'm looking gorgeous. वैसे तो मैं बंगाली लगती हूँ, but इस look में you like there is no doubt I'm Bengali and I'm looking so pretty, यार. You know what? इसके बाद my पंडाल hopping will start. पंडाल hopping के साथ साथ obviously the authentic Bengali food जो हर एक पंडाल पे मिलता है, and trust me, मैं हर एक पंडाल पे कुछ ना कुछ खाती ही हूँ. And as you can see, this is a different kind of sari and all golden jewelry. This Durga Puja, please try this look. Frankly, अगर आप परिणीता या देवदास देखोगे, याद नहीं वो बंगाली बैकग्राउंड की स्टोरी है. एंड ऑब्वियसली संजय लीला भंसाली सर ने जैसे उसको दिखाया है, इसलिए उसको देख के लगता है कि आई वॉन्ट टू बी देयर यार. सो ऑफकोर्स दैट इज द मोस्ट, आई वुड नॉट से कि फेवरेट एक्टर्स और किसको देखने में इतना अच्छा लगा, बट द होल थिंग वॉज सो नाइस, सो बंगालिश. सो उसको देख के लगता है कि हाँ, दिस इज़ आवर फिल्म, यू नो. सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, जैसे उन लोगों ने पुट किया है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी आर कल्चर पुटिंग आउट लाइक दैट एंड इन बॉलीवुड. सारी के साथ फील देता है डोलारे डोलारे और क्या. तो देखा आपने, ये त्योहार मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है रिया. जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि दिस इज़ द टाइम जो हर एक बंगाली हर जगह पे वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि दुर्गा पूजा कब आएगा साल में. एंड ट्रस्ट मी, हर जगह पे इस त्यौहार के लिए छुट्टी मिलती है. एंड षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 5 दिन हम लोग सुबह से लेके रात तक ना सिर्फ पूजा पूजा ही करते हैं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं. क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और हमारा एक होता है पूजा से पहले कि किसने कितना सारा शॉपिंग किया है, कि हर दिन का अलग अलग लुक होना चाहिए. और जब हम छोटे थे ना, दिन में 2-3 चेंजेस होना चाहिए, कैन यू बिलीव इट. तो कितना सारा मतलब शॉपिंग करना पड़ता था, और गिफ्ट भी आते थे ना मासी, पिशी, माशी, आंटी, सबके पास से. सो दिस इज़ ऑलवेज अ वेरी हैप्पी फेस्टिवल फॉर अस. एंड जैसे मैं इतनी एक्साइटेड हूँ दुर्गा पूजा के लिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत हेल्दी, हैप्पी तरीके से ये दुर्गा पूजा मनाओ. एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन, एट द सेम टाइम हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, एंड एन्जॉय पंडाल हॉपिंग करना, एंड प्लीज़ हैव द बंगाली फुचका. अब ऐसे में जाते जाते डांस करना तो बनता है ना, और हाथ में धुनुची लेकर रिया कर रही है धुनुची डांस. सभी त्योहार पर सजिए धजिए और मनाइए खुशी भरा ये त्योहार. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अंत
लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और बस हम तो माता रानी से आज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें।